देखो टॉपिक है LR सर्किट। हमने R सर्किट पढ़ लिया था, L सर्किट, C सर्किट और RC सर्किट। नेक्स्ट कौन सा है? LR सर्किट। इसमें देखो LR सर्किट इंडक्टर और रेजिस्टेंस। क्या दे रखा है आपको? इंडक्टर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, AC बैटरी दे रखी है, ठीक है। इसमें हमने करंट मान लिया कि आई का करंट फ्लो कर रहा है, I नोड साइन ओमेगा टी, जनरल इक्वेशन मान ली। और फेज एंगल क्या मान लिया? टी इक्वल टू जीरो पे इसका जीरो, ठीक है। वो तो कुछ भी दे सकता है, तो उसके केस में मतलब रेफरेंस उसने क्या ले रखा? अगले मान लो पाई बाय फोर मान लिया, तो रेफरेंस कुछ और ले रखा होगा, इनिशियल फेज एंगल करंट का जीरो नहीं ले रखा उसमें, तो वो क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जाएगा। तो इस केस में इनिशियल फेज एंगल क्या ले रखा है? करंट का जीरो ले रखा है। तो इक्वेशन क्या मान लिया? आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? इसका फेजर डायग्राम। तो एल आर सर्किट है तो वी नोड एल, ये क्या हो जाएगा? वी नोड आर और आई नोड, यही हो जाएगी क्योंकि करंट का इनिशियल फेज एंगल जीरो है। तो इस केस में जो नेट वोल्टेज आएगी वो क्या हो जाएगी? वी नेट या वी नोड लिख लो इसको, यही पीक वैल्यू होगी। ये कितनी आ जाएगी आपके पास? वी नोड का, वी नोड आर का स्क्वायर प्लस वी नोड एल का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। इसी को क्या लिख सकते हो आप? जो वी नोड आएगी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगी? इसमें हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अक्रॉस ये मतलब जब मैक्सिमम वोल्टेज होगी तब इसके अक्रॉस नहीं होगी, इसके अक्रॉस होगी तब इसके अक्रॉस। तो उस केस में नेट निकालने के लिए कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रहता है, तो नेट निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये नेट यानी कि वी नेट को, वी नोड आर को क्या लिख सकते हो? आई नोड एक्स आर। और वी नोड एल को क्या लिख सकते हो? आई नोड एक्स एल। तो यहाँ से आ जाएगा आई नोड एक्स आर का स्क्वायर प्लस आई नोड एक्स एल का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो आई नोड को बाहर ले ले तो क्या आ जाएगा? एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो आ जाएगी वी नोड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वाली एक्स एल, सॉरी। तो वी नोड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? इम्पिडेंस क्या हो जाएगा? एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। क्योंकि इम्पिडेंस क्या होता है? वी नोड बाई आई नोड, यही होता है। तो इस केस में वी नोड तो यही है, आई नोड से आई नोड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में यानी कि आई नोड अंडर रूट एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट डिवाइड बाई में आई नोड। तो आई नोड से आई नोड कैंसिल। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? अंडर रूट एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, क्या आ गया आपके पास? इम्पिडेंस, ठीक है। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल। तो टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू दिस अपॉन दिस, यानी कि वी नोड एल डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा? वी नोड आर। इसको वी नोड एल को क्या लिख सकते हो? आई नोड एक्स एल डिवाइड बाय में आई नोड एक्स आर। आई नोड से आई नोड कैंसिल। तो यहाँ पे डेल्टा फाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास? टेन इनवर्स एक्स एल बाय में एक्स आर, क्या आ जाएगा आपके पास? फेज डिफरेंस इन केस ऑफ एल आर सर्किट। इतना समझ आ गया? नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास टेंजेंट डेल्टा फाई। अब देखो मैंने ये बताया था कि जिस किसी भी रेजिस्टेंस में आर आ जाए, किसी भी सर्किट में अगर आर नहीं है, मान लो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो उसका पावर फैक्टर तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस केस में तो कोस डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स आर बाय जेड होता है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली। तो एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। और वैसे निकालोगे तो अभी यही आएगा। कोस डेल्टा फाई क्या होता है? ये क्या? टेंजेंट थीटा गया आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हाइपोटन्यूज निकाल लो, वो क्या हो जाएगी? हाइपोटन्यूज क्या होगी यहाँ पे? एक्स एल का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो वही है। तो बेस कितना है? एक्स आर। बेस यहाँ पे एक्स आर है, ये वाली वैल्यू, और हाइपोटन्यूज यही आ जाएगी। तो एक्स आर बाय जेड कर सकते हो सीधा पावर फैक्टर निकालने के लिए। और जिसमें एक्स आर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो उसका पावर फैक्टर जीरो ही मिलेगा आपको। जैसे सी सर्किट था अकेला, एल सर्किट पावर फैक्टर क्या था? दोनों केस में जीरो, ठीक है। यहाँ क्या आपके पास? पावर फैक्टर एवरेज वैल्यू, पी एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज थर्मल पावर, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस डेल्टा फाई, यानी कि एक्स आर बाय में एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। क्या हो जाएगी आपके पास? एवरेज पावर। तो पहली बात, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फेजर डायग्राम आपने पहले ही बना लिया। लास्ट क्या रहेगी इसमें?
वी की वैल्यू किसी जनरल टाइम पे वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगी वी नोड। वी नोड की वैल्यू क्या है, यही आई नोड अंडर रूट। एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो यानी कि वी नोड साइन ओमेगा टी प्लस, यानी कि आगे इधर तो प्लस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, टेन इनवर्स एक्स एल बाय में एक्स आर। दिस इज द वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। एनी डाउट? ये था एक्स आर एल आर सर्किट में। फेजर डायग्राम चाहिए इसमें नेट अलग से बना लो बाद में, इसमें उसमें कोई फर्क ही नहीं है। ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगी आपके पास आई नोड और ये आ जाएगी वी नोड और ये डेल्टा फाई। ये आ जाएगा आपके पास फेजर डायग्राम। एनी डाउट? यानी कि सारे सिमिलर हैं, अगर तीनों इंडिविजुअल समझ आते तो सारे के सारे खुद भी कर सकते हो इसमें। सेम जैसे एल आर सर्किट पड़ा है ऐसे ही आर सी सर्किट था सेम, ऐसे ही एल सी सर्किट है। एल सी सर्किट में बस दो केसेस हैं, तीन केसेस होंगे अब बाकी के, तो दो सर्किट्स बस ये, यानी कि एल आर सर्किट और एल सी आर सर्किट, उनमें तीन तीन केस है। अब मतलब नहीं बताऊंगी अभी, उसमें अच्छे अच्छे बातें हैं, एक ही केस की 18 बातें हैं, पर वो मुश्किल नहीं है, सारी ये ऐसी हैं सेम, खुद भी कर सकते हो। अगर एक केस मैंने करा दिया तो खुद दूसरा आप कर सकते हो। हो गया नोट? पूरे पे रूट नहीं है, हो गया? एक क्वेश्चन करके दिखा दो इसका। तो इसमें सारी बातें एक्सएल की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, एक्सआर की वैल्यू भी 2 ओम दे रखी है, करंट की इक्वेशन दे रखी है 10 sin 60।
यानी कि इसमें वी नोड की जो वैल्यू आएगी, पहले तो फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लो इसका। ये होगा वी नोड एल, वी नोड आर और आई नोड नेट। इधर आएगी वी नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वी नोड की जो वैल्यू आएगी आई नोड अंडर रूट एक्स आर का स्क्वेयर प्लस एक्स एल का स्क्वेयर। तो वी नोड की वैल्यू, आई नोड की वैल्यू 10 अंडर रूट एक्स आर का स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर 4 और 2 का स्क्वेयर 4। तो आ जाएगा वी नोड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 यानी कि 20√2। वी नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√2। और जेड क्या होता है, वी नोड बाय आई नोड, तो यानी कि सही है 2√2 यानी कि एक्स एल का एक्स आर का स्क्वेयर प्लस एक्स एल का स्क्वेयर पूरे का अंडर रूट। तो 2 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर पूरे का अंडर रूट यानी कि 4 प्लस 4 पूरे का अंडर रूट, तो 2√2 आ जाएगी इसकी। ये आ गया आपके पास जेड की वैल्यू। और टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एल बाय में एक्स आर। तो एक्स एल की वैल्यू क्या है 2/2, कितनी आ जाएगी 1। तो टेंजेंट डेल्टा फाई आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री यानी कि π/4, कितना आ जाएगा π/4। तो कोस डेल्टा फाई भी कितना आ जाएगा आपके पास π/4 यानी कि कोस डेल्टा फाई यानी कि 1/2। कोस डेल्टा फाई कितना आ जाएगा 1/√2। तो एवरेज पावर क्या आ जाएगी, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में कोस डेल्टा फाई 1/√2। यह आ गई आपके पास एवरेज पावर या कोस डेल्टा फाई। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक? अब क्या लिखना है, बस इक्वेशन लिख लिए। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नोड की वैल्यू कितनी है 20√2 साइन ओमेगा टी की वैल्यू यानी कि 60 प्लस π/4। यहाँ तक समझ आ गया? ये आ गया आपके पास v नोड की जनरल टाइम पे इक्वेशन। एनी डाउट? अब इसमें मान लो यहीं पे ये कर देता कि इस केस में प्लस में लिख देता π/4, प्लस में क्या लिख दिया π/4, करंट का ही इनिशियल फेज एंगल क्या ले लिया उसने π/4 यानी कि रेफरेंस लाइन चेंज हो गई। अब ये बाकी चीज़ें तो सारी सेम रहेंगी, बस जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी। इसमें क्या कर दोगे, यहाँ पे प्लस का π/4 और कर दोगे यानी कि रेफरेंस लाइन अब तो ये थी हमारे लिए, अब रेफरेंस लाइन क्या होगी चेंज होगी, ये वाली हो जाएगी क्योंकि करंट का इनिशियल फेज एंगल ही क्या दे रखा है π/4। तो रेफरेंस लाइन ही हो जाएगी यानी कि रेफरेंस से कितना हो गया होगा π/4। तो ये भी कितना आ रहा था π/4, तो वोल्टेज के लिए कितना हो गया, ऐसे नहीं जाते, ऐसे जाते हमेशा प्लस में है ना, यहाँ पे रेफरेंस से ऐसे जाओगे तो प्लस, ऐसे जाओगे तो माइनस। मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, क्लॉकवाइज माइनस, समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्लस है तो वहाँ प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस। माइनस का मतलब रेफरेंस लाइन फिर चेंज हो जाएगी, रेफरेंस लाइन ही हो जाएगी फिर, तो फिर वोल्टेज का फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, वहाँ पे तो जीरो ही आ जाएगा फिर। आगे समझ, एनी डाउट? अब देख लो नेक्स्ट एलसी सर्किट। इस केस में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होता अगर एसी बैटरी जुड़ी हुई है तो, क्योंकि जैसे ही ये फुल्ली चार्ज होने की बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मैंने बताया था कि एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज होती है, जैसे कंप्लीट साइकिल होगी तो ये क्या कर देगा पोलैरिटी चेंज कर देता है। बैटरी की पोलैरिटी चेंज नहीं होती तो पहले करंट ऐसे चलता है फिर ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, तो ये फुल्ली चार्ज नहीं होता इसमें। ठीक है, तो फिर दोबारा से फिर इस पर प्लस आने लग जाएगा, उस पर माइनस, दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। ये एल और ये सी, एल लिख होता है इस केस में एनर्जी का भी, अगर आर सर्किट है, एल सी आर सर्किट मान लो एक आर सी सर्किट है तो उस केस में भी रेजिस्टेंस है तो एनर्जी का लॉस होगा, बट इस केस में एनर्जी का लॉस जो है वो पूर्ति कर देती है एसी बैटरी। जैसे लॉस होना शुरू होगा दूसरी डायरेक्शन में चला देगी, तो बैटरी करंट चलाती रहती है हमेशा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है।
इसमें करंट मान लो आई इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी, ये एल सी एल सी सर्किट है, इसमें है केस नंबर फर्स्ट। इसका जो फेजर डायग्राम होगा वो ऐसे बनेगा, ये वी नोड एल, वी नोड सी, और इधर क्या हो जाएगा आई नोड। इसकी में केस बनते हैं कि अगर मान लो वोल्टेज अक्रॉस से इंडक्टर ग्रेटर देन है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, केस नंबर फर्स्ट यही होगा। केस नंबर फर्स्ट क्या है, इंडक्टर ग्रेटर देन है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, ये है केस नंबर फर्स्ट। तो इस केस में फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है इससे, तो नेट जो होगी इसमें से ये माइनस कर दो, नेट ऊपर की तरफ आएगी, तो क्या आ जाएगी आपके पास वी नोड एल माइनस वी नोड सी, और ये आ जाएगा आपके पास आई नोड। तो ये आगे आपके पास नेट वोल्टेज आ जाएगी वी नोड एल माइनस वी नोड सी, और दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा पाई बाई टू। करंट और वोल्टेज के बीच ही देखते हैं फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे डेल्टा फाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी पाई बाई टू आ जाएगी, ठीक है। और वी नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास वी नोड एल माइनस वी नोड सी, यही होगी। वी नोड एल को क्या लिख सकते हो आई नोड एक्स एल माइनस आई नोड एक्स सी, ये आ जाएगी आपके पास। तो यानी कि वी नोड की वैल्यू जाएगी, आई नोड को कॉमन ले लो, एक्स एल माइनस एक्स सी, ये आ जाएगी वी नोड, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन केस ऑफ एल सी सर्किट, अगर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो वी नोड यानी कि जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास वी नोड बाय आई नोड, तो वी नोड की वैल्यू है आई नोड इंटू में एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय में आई नोड, तो आई नोड से आई नोड कैंसिल, तो जेड आ जाएगा आपके पास एक्स एल माइनस एक्स सी, इम्पिडेंस आ गया आपके पास एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है। तो कोस डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, पावर फैक्टर क्या आ जाएगा इस केस में जीरो आ जाएगा, पाई कोस पाई बाय टू जीरो होता है, तो पावर फैक्टर क्या आ गया जीरो। मैंने बताया था अगर आर है ही नहीं रेजिस्टेंस तो पावर फैक्टर जीरो आता है, एवरेज पावर भी क्या आ जाएगा जीरो। VRMS, IRMS, cos delta phi, cos delta phi, जीरो, तो पूरी इक्वेशन जीरो से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें जीरो। आगे समझ, यानी कि पहली बात फेज डिफरेंस, दूसरे इसमें इम्पीडेंस आ गया आपके पास, तीसरे इसमें पावर फैक्टर आ गया, एवरेज पावर आ गई। तो V की इक्वेशन लिख लो, V नोड की वैल्यू क्या है I नोड XL माइनस XC साइन ओमेगा T प्लस पाई बाय टू, दिस इज द इक्वेशन। एनी डाउट, फेजर डायग्राम ये है। नोट इसी में देखो, सेकंड केस में केस नंबर टू, इसमें क्या हो जाएगा वी नोड सी ग्रेटर देन वी नोड एल, ठीक है। तो फेजर डायग्राम कैसे बन जाएगी इसमें, यानी कि नेट वोल्टेज इधर हो जाएगी वी नोड सी माइनस वी नोड एल, और इधर क्या हो जाएगा आई नोड। तो फेज डिफरेंस तो क्या आ जाएगा पाई बाई टू ही आ जाएगा, फेज डिफरेंस पाई बाई टू ही आ जाएगा, इक्वेशन में लिखते माइनस आएगा, फेज डिफरेंस तो पाई बाई टू है। तो इस केस में यानी कि डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास पाई बाई टू,
बातें नहीं है। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई टू। तो यहाँ से पावर फैक्टर कोस डेल्टा फाई कितना आ जाएगा आपके पास? ये जीरो। एवरेज पावर भी क्या आ जाएगी? जीरो, क्योंकि वी आर एम एस आई आर एम एस कोस डेल्टा फाई जीरो, तो एवरेज पावर भी क्या आ जाएगी? जीरो। जेड की वैल्यू यानी और वी नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी नोड सी माइनस वी नोड एल, तो यानी कि आई नोड एक्स सी माइनस आई नोड एक्स एल, तो आ जाएगा एक्स आई नोड कॉमन ले लो, इसमें आई नोड कॉमन ले लो, या जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी नोड बाय में आई नोड, तो आई नोड इंटू में एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाय में आई नोड, तो आई नोड से आई नोड कैंसिल, जेड आ जाएगा आपके पास एक्स सी माइनस एक्स एल। दिस इज द इम्पिडेंस। आगे इसमें तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? वी इक्वल टू वी नोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आई नोड एक्स सी माइनस एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि रेफरेंस से इधर चलोगे आप क्लॉकवाइज, तो माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। ये आ गया आपके पास इक्वेशन। एनी डाउट? आर नहीं है तो पावर फैक्टर एवरेज पावर तो सोच समझ के जीरो कर दिया करो आप। अब थर्ड केस में, केस नंबर थ्री। इसमें वी नोड सी इक्वल है वी नोड एल के, तो इस केस में ये था फेजर डायग्राम, वी नोड एल वी नोड सी आई नोड, तो दोनों क्या इसमें इक्वल है? दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल ही हैं, तो कोस डेल्टा फाई की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड बोल दो जीरो, क्योंकि नेट तो जीरो ही हो गया फिर, क्योंकि दोनों इक्वल होगी तो कैंसिल हो गया, तो किसके बीच फेज डिफरेंस बताओगे? पहले तो फेज डिफरेंस की बात करते हैं। तो इस केस में डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? जीरो, या फिर अनडिफाइंड लिख दो जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं किस किस के बीच पूछ रहा है, तो डेल्टा फाई की वैल्यू तो वैसे अनडिफाइंड लिखोगे। जीरो तो तब लिखते जब मान लो हमें पता होता, जब है ही नहीं वी, तो नेट वोल्टेज तो है ही नहीं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये जीरो होगी। दोनों अगर इक्वल हैं तो इस केस में तो क्या होगी? जीरो। तो उस केस में फेज डिफरेंस किसके बीच देखते हैं? वोल्टेज और करंट के बीच, तो वोल्टेज है ही नहीं, तो एक चीज़ है ही नहीं, तो उसके बीच एंगल कैसे बताएंगे? तो डेल्टा फाई की वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी, बता ही नहीं सकते। ठीक है, वही बात है कि मैथ है ही नहीं, मान लो किसी के पास बायो है ही नहीं, एक ही चीज़ लेता है, या तो मैथ या बायो, तो जिसके पास मैथ ही नहीं है तो उस केस में मैथ के मार्क्स कैसे पूछें? तो सेम बात है, यहाँ पे वोल्टेज है ही नहीं, तो फेज डिफरेंस किसके बीच का पूछें? तो वो क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। कोस डेल्टा फाई को अनडिफाइंड भी लिख सकते हो, क्योंकि अनडिफाइंड है, या फिर जीरो लिख दो। एक प्रकार से पावर फैक्टर जो, कि उस केस में हम पावर फैक्टर में ये कह सकते हैं कि वह है ही नहीं, किसी जूल हीटिंग हो ही नहीं रही, तो इस केस में जीरो भी लिख सकते हो, अनडिफाइंड भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई इस केस में पावर फैक्टर, तो यानी कि एक प्रकार से थर्मल पावर ही होगी, तो उस केस में वो हो ही नहीं रही, तो हम कह सकते हैं कि जीरो है। ठीक है, तो जीरो भी लिख सकते हो, अनडिफाइंड भी लिख सकते हो इसको। एवरेज पावर इसको भी क्या लिख सकते हो आप? जीरो, क्योंकि एवरेज थर्मल पावर हमें पता है कि हुई ही नहीं, तो उस केस में इसको क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी नोड बाय आई नोड, तो ये भी क्या आ जाएगी आपके पास? जीरो, क्योंकि वी नोड नेट तो जीरो ही है। और क्या रहेगा इसमें? एवरेज पावर डेल्टा पाई वी नोड, यानी कि वी नोड की वैल्यू तो जीरो है ही, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब इस केस में यानी कि अभी यहाँ से एक बात और निकल के आती है, जब एक किसी ऐसा केस स्पेशल केस की वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल होगी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो उस केस में यानी कि वी नोड सी इक्वल है किसके? वी नोड एल के, तो यानी कि आई नोड एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नोड एक्स एल। अब एक्स सी पर रिएक्टेंस केस ऑफ सी सर्किट क्या होता है? वन बाई ओमेगा सी,
तो ये क्या हो जाएगा, आई नोड डिवाइड बाय में ओमेगा सी इक्वल टू आई नोड इनटू में ओमेगा एल, ये आ जाएगा। तो आई नोड से आई नोड कैंसिल, तो वन बाय ओमेगा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा एल। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको एल को इधर ले जाओ, ओमेगा को उधर ले जाओ, तो आ जाएगा वन बाय में एल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाय रूट एल सी, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा को। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, हर बार मिल जाएगा आपको। अगर वी नोड सी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इक्वल टू, इसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि वन बाय रूट एल सी। केस ऑफ रेजोनेंस इसी का केस, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक दे देता है, मान लो ये इतना था पहले से, इतना था एल इतना था, और ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, फिर अगर मान लो सी को डबल कर दिया तो ओमेगा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तीनों के चीज में कोई डाउट, लास्ट रही निकलो एलसीआर सर्किट। I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें भी तीन केसेस है, इसका अगर फेजर डायग्राम बनाओगे तो वी नोड एल आई नोड वी नोड आर, ठीक है जगह वी नोड सी। फर्स्ट केस में मान लो कि वी नोड एल जो है ग्रेटर देन है वी नोड सी के, केस नंबर फर्स्ट। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या है, ग्रेटर देन है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इस केस में जो फेजर डायग्राम अब जो बन जाएगा, नेट वोल्टेज यानी कि वी नोड एल माइनस वी नोड सी, इधर क्या आ जाएगा वी नोड आर और आई नोड, यह आ जाएगा। तो नेट जो आएगी उधर आ जाएगी, वी नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यानी कि अंडर रूट वी नोड एल का माइनस वी नोड सी इसका होल स्केयर माइनस वी नोड आर का स्केयर, यह आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, वी नोड की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हो आई नोड एक्सएल, इसको आई नोड एक्ससी, इसको आई नोड एक्सआर। तो आई नोड को बाहर ले लो, तो अंडर रूट आई नोड को बाहर ले लो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर प्लस एक्स आर का स्केयर, पूरे का अंडर रूट। कहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी का स्केयर प्लस ही आएगा, माइनस क्या आएगा, सॉरी प्लस आएगा, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर पूरे का अंडर रूट, नहीं करोगे आगे समझिए। ये क्या जाएगा डेल्टा फाई, पहली पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो आ गया आपके पास, आई नोड अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का स्केयर होल स्केयर प्लस एक्स आर का स्केयर। यहाँ से
टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू क्या देगी आपके पास, वी नोड एल माइनस वी नोड सी डिवाइड बाय में वी नोड आर, इसको क्या लिख सकते हो, आई नोड एक्स एल आई नोड एक्स सी, तो आई नोड कॉमन ले लो, हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय में आई नोड एक्स आर, आई नोड से आई नोड कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय में एक्स आर, तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय में एक्स आर। एनी डाउट यहाँ से, कोस डेल्टा फाई जब ऐसा करके निकाल लो, ये बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता है, तो यहाँ से पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लो या फिर सीधा कर दो एक्स आर बाय जेड, और जेड की वैल्यू ये वाली होगी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो जेड होता है वो क्या होता है, वी नोड बाय आई नोड, तो वी नोड की वैल्यू है आई नोड अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर डिवाइड बाय में आई नोड, तो आई नोड से आई नोड कैंसिल, यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर, जेड की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एक्स आर बाय जेड पुट कर दो, जेड की वैल्यू सीधा अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर, आ गया आपके पास कोस डेल्टा फाई। एनी डाउट, ये आ गया आपके पास जेड की वैल्यू इम्पिडेंस, और यहाँ से एवरेज पावर क्या हो जाएगी, पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस कोस डेल्टा फाई, कोस डेल्टा फाई की वैल्यू एक्स आर बाय में जेड, जेड की वैल्यू अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। हेलो, जो हमने टैन थीटा निकाला है, हमने इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर इसके लिए निकाला है, ये अब हमारे लिए फेजर डायग्राम केस नंबर फर्स्ट के लिए, हाँ वो अब हमारे लिए केस नंबर फर्स्ट के लिए फेजर डायग्राम ये तो नेट वो फेजर डायग्राम हो गया, ये तो उस केस में, यानी कि ये क्या हो गया, हमारे पास तीनों जब हैं तो उस केस का फेजर डायग्राम है, जो हमने पढ़ा अभी था कि कंबाइंड फेजर डायग्राम है ये, तो इस केस में केस नंबर फर्स्ट अब इसको देखते हुए निकाल रहे हैं, तो नेट वोल्टेज तो यही हो जाएगी, मतलब नेट क्या कि वी नोड एल बड़ा है, तो उस केस में नीचे की तरफ से वी नोड एल मान लिया बड़ा है वी नोड सी से, तो नेट ऊपर की तरफ होगी वी नोड एल माइनस वी नोड सी, इधर क्या है वी नोड आर, पीछे वाले केस में सी और एल ही था बस, एल सी सर्किट था, इसमें आर भी है, समझ में आ गया, ये वाले यानी कि दिस अपॉन दिस, हाँ यही होगा बेस, परपेंडिकुलर तो ये होगा ना वी नोड एल माइनस वी नोड सी, छोटे वाले ये वाली ट्रायंगल, तो उस केस में फिर ये होगा यही हो जाएगा, हाँ इसका क्या लेना देना, वैसे तो उस केस में वही है ना ट्रायंगल ये हो जाएगी, दिस अपॉन दिस करते हैं, वेक्टर में पढ़ाया जाता है, अगर ये वाला एंगल निकालना है तो दिस अपॉन दिस कर दो, वो फिर इस केस में वो फिर इन दोनों के बीच नहीं आता, फिर वो इसके और इसके बीच का डेल्टा फाई आता, वैसे वो भी सेम ही बात है, हमने इसके और इसके बीच ही निकाला वैसे, नेट वोल्टेज और करंट के बीच, आगे समझ, सेकंड केस खुद कर सकते हो वैसे, तो सेम वही होगा, इस सेकंड केस में क्या मानना है, वी नोड सी ग्रेटर देन वी नोड एल, तो उस केस में फेजर डायग्राम बस ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी वी नोड सी माइनस वी नोड एल, वही सेम बात देंगे फिर सारे के सारे, जहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी है वहीं पे क्या हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल, होया
समझ जाओ बस। कोई ना, पोर्टल ले लेना। आ गया ये समझ? करें केस नंबर टू। केस नंबर टू, इसमें वी नोड सी ग्रेटर देन वी नोड एल। तो जो नेट आई हो गया जाएगी वी नोड सी माइनस वी नोड एल, इधर वी नोड आर और आई नोड। ठीक है, तो वी नेट पीक वैल्यू, वी नोड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इसका स्क्वायर पूरे के अंडर रूट। तो इसको सीधा ही ले लो, आई नोड बाहर ले लो, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर, यहाँ जाएगी आपके पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये वाला लिखा है आई नोड को कट कर दो, जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। तो टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नोड सी माइनस वी नोड एल डिवाइड बाय में वी नोड आर। तो इसको आई नोड साई नोड कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे ही आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाय में एक्स आर। तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाय में एक्स आर। तो कोस डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, एक्स आर बाय जेड, जेड की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर, या कि कोस डेल्टा फाई। पावर फैक्टर, सॉरी पी एवरेज, एवरेज पावर, वी आर एम एस, आई आर एम एस, कोस डेल्टा फाई यानी कि एक्स आर बाय में जेड की वैल्यू एक्स सी का स्क्वायर एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। तो और वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, वी नोड की वैल्यू आई नोड अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा माइनस टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाई में एक्स आर, या जाएगी आपके पास इक्वेशन। माइनस में लिखोगे रेफरेंस से पीछे है, क्लॉक वाइज चलोगे तो माइनस में आया, एनी डाउट? और जो थर्ड केस है वो सेम फिर बिहेव करेगा प्योर आर सर्किट की तरह, क्योंकि उस केस में भी सिंपल रह जाएगा, बस प्योर आर सर्किट की तरह बिहेव करता है थर्ड केस में। ये था सेकंड केस। केस नंबर थ्री में वी नोड सी इक्वल है वी नोड आर, वी नोड एल के। तो प्योर एल सी आर सर्किट बिहेव लाइक ए प्योर आर सर्किट, प्योर आर सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसमें सारे मैंने जो बताए हैं वो प्योर आर सी, प्योर एल आर, एल आर तो इस केस में रेजिस्टेंस है, प्योर आर सी, प्योर एल सी सर्किट ये बताएं, क्योंकि इंडक्टर का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है, इतनी सारी टर्निंग होती है, वायर भी लेते हैं। तो यहाँ पे ओमिक्रॉन वायर होती है, ये ओमिक वायर होती है। कौन सी वायर लेते हैं हम, ये जितने भी सर्किट में ओमिक वायर होती है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो जीरो के बराबर मानते हैं। ओमिक वायर का जो रेजिस्टेंस है, जितने भी हम सर्किट्स में पढ़ते हैं वायर का रेजिस्टेंस जीरो मान के चलते हैं, ऐसे बेसिकली होता नहीं, वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए प्योर आर सर्किट या इस तरीके से प्योर आर सी सर्किट ये एग्जिस्ट ही नहीं करते रियलिटी में, तो क्योंकि वायर यूज करते हो, तो वायर के केस में उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो वहाँ पे कौन सी वायर यूज़ करते हैं, ओमिक वायर। मैंने ये जब स्टार्टिंग में करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करा था तब भी बताया था कि वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो लेते हैं, ओमिक वायर लेते हैं वहाँ पे। हाँ वो तो वायर कौन सी भी आप सर्किट में यूज करते हो ओमिक वायर, खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। अब क्वेश्चन में आपको मिलेगा इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस देता है साथ में, जो हम आर लेते हैं, आर तो रेजिस्टेंस है ही, मान लो जो आपको दे दिया हरे का वो, तो फिर आर रेजिस्टेंस का मतलब वहाँ पे आपने कोई भी जोड़ दिया, जैसे फैन जोड़ दिया तो उसका रेजिस्टेंस खुद का तो हो गई होगा फिर। अब जैसे एल सर्किट इंडक्टर है, इसका भी रेजिस्टेंस होता है, ये भी एक प्रकार से वायर की तरह ही होता है, इसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। प्योर आर सी सर्किट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है।
समझ में आ गया। रियलिटी में देखो तो अपोज होता ही होता है करंट का, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उस पूरे सर्किट में होता ही है, अपोज तो होता ही होता है, बट हम ये सोचते हैं कि जहाँ रेजिस्टेंस है तो ये अपोज होता है। मतलब अगर एल सर्किट है, एल सी सर्किट है, ये अपोज मतलब जूलिटिंग नहीं करते, ये एक प्रकार से करंट का अपोज कर लेट चलाते हैं, बस धीरे धीरे बढ़ाते हैं, बस अपोज नहीं करते, एक स्टार्टिंग में अपोज करते हैं ताकि एकदम से करंट बढ़े नहीं। अगर आर सर्किट है तो उसके इसमें एकदम से ही करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा अपोज करता रहता है, जूलिटिंग इसी तरीके से होती रहती है। ठीक है, तो ये जितनी भी वायर्स यूज करते हो आप सर्किट्स में वो ओमिक वायर होती है, जैसे हमने वो भी पढ़े थे पोटेंशियोमीटर, ये सारे उसमें ओमिक वायर, खुद का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस जीरो लेके चलते हैं। आप इसके क्वेश्चंस अगर करोगे, मान लो टेस्ट वगैरह में आएंगे, तो आपको रेजिस्टेंस, मान लो रेजिस्टेंस तो है ही दिया आर सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस तो मान लो एल सी आर सर्किट है, तो इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस दे देता है साथ में, तो वो आप सीरीज में मान के चलोगे। फिर नेट रेजिस्टेंस अगर करोगे, मान लो पूरा सर्किट दे रखा है आपको, तो इस केस में इसका भी रेजिस्टेंस कुछ ना दे दिया कि इसका मान लो 2 ओम दे दिया, तो इसका एक तो एक्स दे ही दिया, एक इसका और भी रेजिस्टेंस दे देगा 2 ओम का अलग से भी दे देता है, तो आपको फिर सीरीज में मानोगे फिर, हाँ फिर इफेक्टिव अगर निकालोगे तो फिर 2 को ऐड ही करोगे इसमें। ओके, क्वेश्चंस के थ्रू समझ आता है, ये समझ आ गया। तो अगर इस केस में केस नंबर 3, अगर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो सेम उस केस में फेजर डायग्राम क्या बन जाएगा, बस वी नोड आर और ये आई नोड, और ये सेम ही डायग्राम किस में था, आर सर्किट में, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, प्योर आर सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर एल सी आर सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इक्वल है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो एल सी आर सर्किट बिहेव लाइक ए प्योर आर सर्किट, और वो सारी की सारी बातें वही होंगी जो किस में थी, आर सर्किट में थी। तो आर सर्किट में कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू, तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या थी, 0, कॉस डेल्टा फाई 0 ही होता है दोनों के बीच, सॉरी डेल्टा फाई 0 हो जाएगा, फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो कोस डेल्टा फाई यानी कि पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, पी एवरेज भी क्या हो जाएगा, 1 वी आर एम एस, पहली बात होगी ये फेजर डायग्राम तो यही हो गया, दूसरी बात इस केस में पावर फैक्टर बना जाएगा, एवरेज पावर क्या हो जाएगी, वी आर एम एस आई आर एम एस, और इस केस में जेड जेड की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, आर के इक्वल, जेड की यानी कि एक्स आर की वैल्यू किसके इक्वल है इसमें, आर के इक्वल, एक्स आर की वैल्यू आर, और क्या इसमें इक्वेशन आप लिख सकते, वी नोड आई नोड साइन ओमेगा टी, वही आ जाएगी इसकी वोल्टेज अक्रॉस, इसमें वी नोड साइन ओमेगा टी यही आ जाएगी, और वी नोड यही है, आई नोड एक्स आर, फेज डिफरेंस तो इसके भी आ जाएगा 0 ही है, इसी के ऊपर बना हुआ है। और इस केस में भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, वी नोड सी इक्वल है वी नोड आर के, वी नोड एल के, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसमें भी आएगी ओमेगा की वैल्यू, उसको सोल्व करोगे इसी की तरीके 1/√LC, तो जी कहीं पे भी वी नोड सी इक्वल है वी नोड एल के, तो वहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। एनी डाउट, नहीं इसमें नहीं है, एल सी आर सर्किट की क्वेश्चन है, एल सी आर फिर यही है, आगे समझ, एनी डाउट, इसकी DPP ट्राई कर लेना, डाउट होंगे तो मैं ले लूँगी। कैसे, वो आपको पेपर्स में मिल जाएंगे, इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं विद फॉर्मूला बेस्ड है पूरे के पूरे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैंने जिस तरीके से बताया, मान लो एल दे दिया, सी दे दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, या फिर ये बोल दिया एल इतना था, मान लो सी इतना है, तो ओमेगा ये था, फिर बाद में सी को डबल कर दिया या हाफ कर दिया, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, या फिर ओमेगा इतना था, एल इतना है, सी क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है इसके ऊपर, और क्वेश्चन आते हैं इसमें हर बार, मेन में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। आगे समझ, ये था AC के बारे में, इसकी DPP कर लेना, लास्ट DPP, कोई डाउट होंगे तो कर ले लूँगी मैं, फिर ऑप्टिक्स शुरू।